Assalamualaikum, मेरा नाम नुमान असलम है और लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट्स के अंदर हमने इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने देखे थे कि इंस्ट्रूमेंट की कौन कौन सी टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या है और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या है। फिर हमने चार सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की टाइप्स पढ़ी थी जिनके अंदर था इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट और डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है इसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन सी फोर्स जो है किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो है असर अंदाज होती है, कि फोर्स एक्टिंग इन एन इंस्ट्रूमेंट के कितनी तरह की टाइप्स है, कितनी तरह की जो फोर्स है वो किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर असर अंदाज होती है और कैसे होती है और उनका नाम। सबसे पहले जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उसके कुछ हिस्से होते हैं जैसे पॉइंटर, स्केल, स्पिंडल, स्प्रिंग। हम आगे जाकर तफसील के साथ उसके पार्ट्स को हम पढ़ेंगे लेकिन आज के लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम देखेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कौन कौन सी फोर्स जो है वो असर अंदाज होती है। सबसे पहले जो है वो है डिफ्लेक्टिंग फोर्स। डिफ्लेक्टिंग फोर्स जैसा कि नाम से जाहिर है कि किसी कोई ना कोई किसी जो ऐसी चीज जो किसी पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करवाती है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करवाती है। डिफ्लेक्टिंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो किसी इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर को जीरो वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाने के लिए फोर्स मुहैया करती है। वो फोर्स जो इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर को मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ लेके जाती है डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है कंट्रोलिंग फोर्स। कंट्रोलिंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर को खास महदूद वैल्यू तक हरकत करती है कि जीरो वैल्यू से डिफ्लेक्टिंग फोर्स ने जहां तक इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करवाया उसके बाद रोकने का काम जो है वो कंट्रोलिंग फोर्स है कि खास मुकाम तक, खास वैल्यू तक लेके जाने का अमल कंट्रोलिंग फोर्स है। और डिफ्लेक्टिंग फोर्स और कंट्रोलिंग फोर्स बाहम बराबर होती है लेकिन मुखालिफ सिफत होती है। डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या करती है कि पॉइंटर को जीरो से मैक्सिमम की तरफ लेके जाती है लेकिन कंट्रोलिंग फोर्स क्या करती है उसकी मुखालिफ सिफत में अमल करती है और वो क्या करती है पॉइंटर के ऊपर एक खास फोर्स अमल करवाती है, एक खास फोर्स लगाती है कि डिफ्लेक्टिंग उसको मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ लेके जाती है लेकिन कंट्रोलिंग फोर्स जो है वो उसको एक खास वैल्यू तक रोकती है। और जहां पर जाकर डिफ्लेक्टिंग फोर्स और कंट्रोलिंग फोर्स बाहम बराबर हो जाती है वहां पर पॉइंटर जो हमारा वो रुक जाता है या हालत सुकून में आ जाता है या स्टैंड बाय पे, जहां पर जाकर दोनों फोर्स बाहम बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत हो जाती है वहां पर हमारा पॉइंटर जो है रुक जाता है। ये है कंट्रोलिंग फोर्स। कंट्रोलिंग फोर्स मुहैया करने के किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर कंट्रोलिंग फोर्स मुहैया करने के दो तरह के तरीके हैं, एक है स्प्रिंग कंट्रोल और एक है ग्रेविटी कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल मेथड के अंदर क्या है कि एक बाल नमा फास्फर ब्रॉन्ज मटेरियल का एक बाल नमा स्प्रिंग इस्तेमाल किया जाता है जो कि उसके दो हिस्से होते हैं, बिल्कुल बाल नमा होता है, बिल्कुल लूज वेट होता है। इसके क्या है दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा इंस्ट्रूमेंट के साधन हिस्से के साथ और दूसरा पॉइंटर के मूविंग हिस्से। पॉइंटर जो कि हमारा मूविंग पार्ट है तो स्प्रिंग का एक हिस्सा इंस्ट्रूमेंट के किसी भी साधन हिस्से के साथ और दूसरा जो है वो पॉइंटर के साथ लगा दिया। डिफ्लेक्टिंग फोर्स के जरिए से स्प्रिंग कंट्रोल मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि डिफ्लेक्टिंग फोर्स के जरिए असर जैसे ही हमारा पॉइंटर जो है वो जीरो से मैक्सिमम की तरफ हरकत करता है तो स्प्रिंग क्या करता है कि उसके गिर्द जो स्पिंडल है, यहां पे एक स्पिंडल होता है, यहां ये स्पिंडल है हमारा, स्पिंडल के साथ जो है वो पॉइंटर और पॉइंटर के साथ स्प्रिंग जो है वो लिपटा चला जाता है। जैसे जैसे डिफ्लेक्टिंग फोर्स के जरिए से पॉइंटर जीरो से मैक्सिमम की तरफ हरकत करता है पॉइंटर जो है ये जो हमारा स्पिंडल है उसके गिर्द लिपटा चला जाता है और इसके अंदर क्या होता है एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है जहां पर जाकर हमारी जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है वो मिनिमम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां से हमने जीरो से जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स स्टार्ट की तो जहां पे जाकर 10 के ऊपर हमारी डिफ्लेक्टिंग फोर्स बिल्कुल कम हो जाती है लेकिन क्या हो जाती है मुखालिफ सिमत कंट्रोलिंग फोर्स। यहां पर जाकर डिफ्लेक्टिंग फोर्स और कंट्रोलिंग फोर्स
मशीन स्प्रिंग के, क्योंकि ये फास्फर ब्रॉन्ज मटेरियल का बना होता है और बिल्कुल बाल का। अब इसके फायदे क्या है स्प्रिंग के ड्रॉ मेथड के? फायदे हैं कि ये जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर इस्तेमाल को हम पोर्टेबल के तौर पर इस्तेमाल करें, उस इंस्ट्रूमेंट को हम जहां पे जिस पोजीशन मर्जी के जहां से मर्जी उठा कर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते। अब इसमें क्या है कि स्प्रिंग कंट्रोल मेथड आसान है, एडजस्ट किया जा सकता है। उसके बाद क्या है कि ये बिल्कुल लूज वेट है, इसका अपना कोई वेट नहीं है इतना, जिसकी वजह से ये जो है इसके अंदर जो है वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स के तरीके से अंदाज होती है और कंट्रोलिंग फोर्स, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे कुछ नुकसान है, वो ये है कि इसको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है, मौसमी असरात इस पर बहुत ज्यादा असरदार होते हैं, इसके ऊपर फिटिंग्स आ जाते हैं स्प्रिंग के ऊपर, इसलिए इसको ऊपर जो है कुछ नुकसान जो है वो भी असरदार होते हैं। अब सेकंडली हमारे पास जो है वो ग्रेविटी कंट्रोल है। ग्रेविटी कंट्रोल के ऊपर हमारा जो है हम स्प्रिंग की जगह पर पॉइंटर के साथ एक वेट इस्तेमाल कर देते हैं, वो वेट बिल्कुल एक नट का हिस्सा होता है, जो कि स्प्रिंग का क्या काम था कि रीस्टोरिंग फोर्स की मदद से क्या किया उसने पॉइंटर को वापस सिफर पर ले लिया। डिफ्लेक्टिंग की सूरत में क्या किया उसने मैक्सिमम पर जाकर उसको रोक दिया। अगर कंट्रोलिंग फोर्स ना होती, स्प्रिंग ना होता, तो जो हमारा पॉइंटर है वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स के जरिए सर इस पॉइंट से आगे भी जा सकता और वहां पर जाकर वाइब्रेशन भी कर सकता है, झूल भी सकता। एक तो स्प्रिंग क्या करता है उसकी वाइब्रेशन को भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है, लेकिन वाइब्रेशन को कंट्रोल असल तरीके से करने का मतलब डैम्पिंग फोर्स है, वो हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम वो डैम्पिंग का हिस्सा पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है कि कंट्रोलिंग फोर्स के मुहैया करने दो तरीके, स्प्रिंग कंट्रोल हमने पढ़ लिया, उसके साथ स्प्रिंगर के साथ हमने स्प्रिंग का इस्तेमाल किया है, वो जो है रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से पॉइंटर को वापस पोजीशन पर। अब जो हम ग्रेविटी कंट्रोल करते हैं, ग्रेविटी कंट्रोल के अंदर क्या किया, जहां पे हमने स्प्रिंग का इस्तेमाल किया वहां पे हमने कंट्रोलिंग वेट का इस्तेमाल कर दिया। अब क्या होता है कि डिफ्लेक्टिंग फोर्स के जैसे जेरे असर जब पॉइंटर जो है वो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ हरकत करता है या अपनी जो डिफ्लेक्शन है वो स्टार्ट करता है, तो पॉइंटर की बिल्कुल बैक आर्म पे एक वेट लगाया। जब पॉइंटर जो है डिफ्लेक्टिंग फोर्स के जेरे असर यहां से जीरो से मैक्सिमम की तरफ हरकत करता है तो क्या किया जाता है वेट जो है उसी तरह से उसके बैक साइड पे जाता है, वेट भी जो है उसके बैक आर्म पे लगा हुआ है और वो भी साथ है। और ये ग्रेविटी कंट्रोल नाम से जाहिर है कि ये जो है ग्रेविटी के थ्रू जो है जैसे हम फिजिक्स के अंदर ग्रेविटी का एक मेथड है उसी तरह से क्या किया जाता है पॉइंटर जब अपनी जीरो वैल्यू से मैक्सिमम की तरफ हरकत करता है तो क्या किया जाता है डिफ्लेक्टिंग फोर्स के जरिए सर पॉइंटर जो है हरकत करता है जिसके बैक पर बिल्कुल एक छोटा सा वेट लगा होता है, जहां पर जाकर डिफ्लेक्टिंग फोर्स और कंट्रोलिंग फोर्स वहां बराबर और मुखालफ सिमत में हो जाते हैं, पॉइंटर वहां पर जाकर ठहर जाता है और मैक्सिमम वैल्यू को शो करता है कि इतनी क्वांटिटी आ रही है, इतनी जो वैल्यू करंट की है या वोल्टेज की है या उसके बाद हमारे वाटेज की है कि इतनी वैल्यू आ रही है, वहां पर जाकर पॉइंटर ठहर जाता है। जैसे ही हम किसी सप्लाई को कट ऑफ करते हैं डिफ्लेक्शन जीरो हो जाती है, उसके बाद क्या करता है वेट जो है उसको वापस जैसे स्प्रिंग ने रीस्टोरिंग फोर्स की मदद से इस तरह इसने ग्रेविटी कंट्रोल की मदद से क्या किया कि पॉइंटर को वहां से वापस जीरो वैल्यू की तरफ ले आया और इस तरह जो है हमारा जो है वो कंट्रोलिंग फोर्स की मदद से हम स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल की मदद से किसी भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के अंदर पॉइंटर को खास मखसूस वैल्यू तक हरकत करने के बाद वापस सिफर पर पोजीशन पर ले आया। इसके भी जो है कुछ फायदे और नुकसान है, वेट को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फायदा इसका क्या है कि मौसमी असरात से अंदाज नहीं होता। नुकसान इसका क्या है कि इसके ऊपर इसको हम पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही ये पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इस्तेमाल इसको एडजस्ट करें, इसको इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को जगह जगह पर मुंतकिल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके जो इसका जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं रहता, इसलिए हम जो है इसको एक खास जो मखसूस एरियाज के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नुकसान इसका एक फायदा यह है कि ये मौसमी असरात भी जो है इसके दर्जा हरारत इस पर असरअंदाज होते हैं। इस तरह जो है हम मुख्तलिफ जो इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स हैं उसको नेक्स्ट भी जो है वो हर एक पार्ट्स को हम बड़ी जो है तफसील से इसको पढ़ेंगे।
सिस्टम की तरफ डिफ्लेक्ट करवाती है, वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स का। उसके बाद कंट्रोलिंग फोर्स है, कंट्रोलिंग फोर्स ऐसी फोर्स जो इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर को एक खास वैल्यू तक हरकत करने के बाद रोकती है और वापस पॉइंटर को सिफर वैल्यू की तरफ लेके आती है। इसके आगे दो टाइप्स की हमारे पास, स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल के अंदर हमने एक छोटा बाल नुमा स्प्रिंग इस्तेमाल किया जिसका एक हिस्सा जो है वो किसी इंस्ट्रूमेंट के साकन हिस्से के साथ, दूसरा जो है पॉइंटर के साथ। वो क्या करता है, जैसे ही पॉइंटर हिट करता है स्प्रिंग जो है वो उसके गिर्द लिपटा चला जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स उसमें जो है क्रिएट होती है। उसके बाद हमने ग्रेविटी कंट्रोल, और ग्रेविटी कंट्रोल के अंदर हमने क्या लिखा कि स्प्रिंग की जगह पर हमने एक पॉइंटर की बैक साइड पे एक छोटा सा वेट को एडजस्ट कर दिया। इसी तरह हमने इस तमाम का लेक्चर के अंदर जो है आज का जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें हमने देखा कि दो तीन तरह के फोर्स अमल करते हैं, जिसमें आज हमने दो तरह की पढ़ ली है। डैम्पिंग फोर्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में